जी हाँ, हमारा बैग रेडी है, अपनी कैब भी आ गई ऑलरेडी। तो जब पहुँचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसा मेन रीज़न है जिस वजह से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं जिसको लेनी हो गुजरात करना। तो ये हमारा जो पूरा ट्रिप है उसकी पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे और आई थिंक पहली प्लेलिस्ट होगी अपने चैनल की ना। तो साथ में स्कॉर्पियो एन खड़ी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देख रहे हो भाई हो। सब लोग आगे हेल्प करने के लिए कि भैया मैं कुछ हेल्प करूँ भाई। गुजरात के बंदे भाई एक नंबर है, बहुत बढ़िया। मैं क्या फिलहाल तो दोनों ही उसके लिए है, मेरे को कोई जहाँ ज़्यादा पंगे लेगा वहाँ लगा भी देंगे और क्या। तो लो जी, यहाँ हम लोग पहुँच गए ऑफिस के बाहर और यहाँ अपनी गाड़ी भी रेडी खड़ी है एकदम, देख रहे हो। मैं अपार्टमेंट में पहुँच गए हैं, कुछ ऐसा सा अपार्टमेंट है, ये झूला लगा हुआ है, यहाँ पे कॉकरोच भाई साहब भी घूम रहे हैं। जी हाँ, हमारा बैग रेडी है, अपनी कैब भी आ गई है ऑलरेडी। टाइम अभी हो रहा है 3, तो गाड़ी में बैठ के बताते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो चलो, सामान पैक करो। बढ़िया, मैं उस साइड आ जाता हूँ, आ जाएगा ये गाड़ी अपनी। भैया आ गए हैं, ये बाहर कुछ उस साइड पे पौंड है, वो देख रहे हो सामने, वोले साइड पे तालाब है। ये अपना अपार्टमेंट जहाँ हम रुके हुए हैं, शांत्री, और यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड भी नहीं है। तो चलते हैं, बैठते हैं भाई गाड़ी में। देखो भाई, ये तालाब है अपना अपार्टमेंट के सामने, और ये नए नए फ्लोर्स बन रहे हैं 2 BHK 3 BHK। और हम निकल गए हैं गाड़ी में, टाइम 3 बज गए हैं और 3:30 बजे की हमारी बस है। एक मिनट, कैमरा गंदा है, अब ठीक है। तो 3:30 की हमारी बस है, 3 बजे हम लोग निकल रहे हैं घर से, पता नहीं पहुंच जाएंगे, वैसे तो पास में ही है। तो अभी बस में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बस में चढ़ के बताएंगे, और हैं हम गुजरात के अंदर ही, और गुजरात के अंदर ही जा रहे हैं अभी, आगे भी जहाँ जा रहे हैं। तो जब पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसा मेन रीज़न है जिस वजह से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहले बाय फ्लाइट आए थे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे जा रहे हैं बाय रोड। प्लान एक्चुअली पहले कुछ और था, पहले हमने जाना था बाय रोड, बट मेरे पैर पर लगी हुई है उस वजह से हम लोग बाय रोड ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें यहाँ पे एक स्टॉप लेना था उस वजह से। तो हम लोग 1-2 दिन पहले ही निकल गए थे, तो आज हम निकले हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो सुबह का दिन कुछ किया नहीं है अभी, दोपहर को ही नहा धो के तैयार होके निकले हैं। तो अभी चलते हैं बस स्टॉप पर, बस आने वाली है 3:30 बजे हमारी बस है, और हमें पहुँचाएगी लगभग 9 बजे के आसपास में। तो चलते हैं बस स्टैंड, तब तक आपने चारे इंजॉय करो। टाइम अभी हो रहा है 4:15 और अपनी बस आ गई है, काफ़ी लेट हो गई थी, 1 घंटा लेट है। ये सामान रखवा रहे हैं अभी, वॉल्वो बस है भाई, देखो हाँ भाई, मर्सिडीज का लोगो देख रहे हो कैसे घूम रहा है, गोल 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 पूरा घूम रहा है, शोरूम होगा आई थिंक मर्सिडीज का। तो भाई हम लोग बस में बैठ गए थे, अपनी बस चल गई है, बस ऑलरेडी लेट है, टाइम देखो 4:30, और सीन ऐसा है कि हमारी बस जो थी वो थी 3:30 बजे की, लेकिन ये पीछे से कहीं से चल के आ रही थी तो उस वजह से लेट हो गई, और हम लोग भी लेट ही निकले थे बेसिकली। तो सही है, टाइम पे पहुंच गए थे, वैसे 3:30 बजे चलनी थी, हम लोग 3:30 बजे पहुंच गए थे ऑलरेडी। और अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको पहुँच के ही बताएंगे, क्योंकि अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्क्लोज़ कर देंगे तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा रहना चाहिए ना दिखाने के लिए। तो अभी वेट करो आप लोग, आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे किस रीज़न से आए हैं, कौन सा ऐसा बड़ा रीज़न है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ लास्ट वाले ब्लॉग में भी। तो अभी बस में बैठे हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:30 और करीब करीब 9-9:30 बजे पहुँचेगी। वैसे हमने 8:30 बजे पहुँचना था, 8:30 बजे पहुँचना था, और यहाँ हमारा खाने पीने का भी सामान आ चुका है, देख रहे हो 2 चिप्स के पैकेट आ गए हैं, कौन कौन से है भाई, चलो एंटर हैं। ये बालाजी के हैं, क्रीम एंड अनियन, टमाटो ट्विस्ट, और अपनी फेवरेट थम्स अप। हाँ जी मैडम, मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। सेमी स्लीपर क्यों बुक कराई? सेमी स्लीपर कह रहा हूँ, सॉरी, स्लीपर क्यों बुक कराई? आराम से सो के जाना था भाई, तुम लोगों को पता ही है अपना थोड़ा अभी सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, तो हमने स्लीपर वाली इसलिए बुक कराई ताकि हमारा पैर एकदम स्ट्रेट रहे, क्योंकि जब मैं फ्लाइट में आया था ना तो पैर मेरा सूज गया था, तो उस वजह से फिर हमने ये स्लीपर वाली करा ली ताकि बैठना हो बैठ जाएंगे, लेटना हो लेट जाएंगे, तो जैसा भी होगा एंजॉय करते हुए जाएंगे।
तो भाइयों यहाँ हमारा पोपट हो गया है, यहाँ मिला है हमको USB टाइप ए, और हमारी जो चार्जिंग केबल है दोनों की दोनों वह हैं USB टाइप सी टू टाइप सी। अब बसूड़ी ये है कि अगर बैटरी ख़त्म होगी तो व्लॉग नहीं बना पाएंगे, और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हमको कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि वहाँ हमारी गाड़ी ऑलरेडी रेडी है, हमारे को गाड़ी लेने आएगी। तो अब वो सोच रहे हैं कि चार्जिंग कैसे करेंगे भाई बताओ, या तो देखते हैं कहीं बीच में अगर रुकेगी ना तो एक टाइप सी वाली, टाइप सी टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल ले लेंगे, ठीक है। हाँ ऐसे कर लेंगे, वैसे तो थी मेरे पास में बट मैंने ली नहीं यार, वो दूसरे वाले फ़ोन की पड़ी थी बट वो टाइप सी वाली नहीं है, आई थिंक लाइटनिंग वाली है। कोई नहीं देखते हैं जैसे भी होगा मैनेज करेंगे, वैसे 15-20 मिनट का एक जगह स्टॉप आएगा, देखते हैं वहाँ पे क्विक चार्ज कर लेंगे फ़ोन की, है ना, ये भी बढ़िया। 15-20 मिनट का स्टॉप लगेगा ही वहाँ पे, RAR होटल पे है ना शायद, RAR होटल पे है तो जो कि रास्ते में ही आएगा। अब वो कहाँ पे है वो आप लोगों को वहाँ पहुँच के ही बताएंगे। तो बैटरी बची तो व्लॉग बन जाएगा, नहीं बची तो कहीं ना कहीं से तो कंटिन्यू कर ही लेंगे। बाकी चलते हैं, अभी हाईवे वगैरह चढ़ने वाले ऑलरेडी, ये देखो बस के झटके भी लग रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ कम से कम 4 साल बाद में, और ट्रेन में भी मैंने कम से कम वही 4-5 साल बाद में ही ट्रैवल किया था बीच में। एक्चुअली गाड़ियों की आदत इतनी लग गई है कि ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करने ही छोड़ दिए हैं, ना मेट्रो यूज़ करता हूँ, ना बस यूज़ करता हूँ, ना ट्रेन यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा फ्लाइट ही यूज़ होती है। और इसलिए मुझे सुनने को भी मिलता है कि भाई तू फ्लाइट में क्यों आता है, हर जगह तू ट्रैवल करा कर भाई, लेकिन बस से और उससे ट्रैवल करा कर ट्रेन से। लेकिन कोई बात नहीं भाई, फ्लाइट की आदत लगी हुई है गंदी वाली, तो क्या कर सकते हैं। कभी रेड लाइट में खड़े हुए देखो, आगे रेड लाइट है, अब यहाँ से दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो अभी हाईवे आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये मैडम जी भी देखो, देखो चिट्टे चिट्टे लग रहे हो इसमें, डेंटिंग पेंटिंग हुई है, कोई डेंटिंग नहीं है, सारी डेंटिंग पेंटिंग का कमाल है। मैं ऐसी दिखती हूं, इन्होंने रीपेंट कराया अपने आप को, मॉडिफिकेशन कराई है, नीचे से चूंडियां पड़ रही है भाई। चलो हाईवे चढ़ के आप लोगों को मिलते हैं। यहां हमारी बस हाईवे पे चढ़ने का नाम नहीं ले रही, और यहां हमने बुक में जा दिया है, चिप्स का पैकेट खोलते हैं, रुको एक मिनट, लो जी लो यहां हमने बुक में जा दिया है। अरे बड़ा छोटा सा यार ये, तो थोड़ा बड़ा पैकेट लाना था ना, निकाल। बढ़िया बढ़िया, लेकिन कम लाए हो यहाँ आपने, सेल्फियाँ टुल्फियाँ ले जा रही हैं, मैं सारी लाइटें जगा दी थी, ये तो अभी बंद करी है, एक मिनट हुआ, अब धीरे धीरे सारे पैकेट खुलेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर और लेने जाएंगे, फिर चाय भी पियेंगे यार, शाम की चाय रह जाएगी, तो मैं होटल पे पियेंगे, फिर उसके बाद में एक पेप्सी की बोतल और ले लेंगे, 15 मिनट का स्टॉप है, चलेगा ले लेंगे। हेलो भाई, दूसरा पैकेट भी खोल दिया, इतनी भूख मचा रही है, देख लो चटनी क्या, चटनी चिप्स चिप्स, अब आया ना मज़ा, देख लो ये चटनी थोड़ी बोले हैं, साथ में हमने पेप्सी भी खोल लिया। अब व्यू का नज़ारा ले कर जा रहे हैं, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, देख लो ब्रिज बन रहा है, ये ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, और सामने सूरज देवता, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर व्यू। ये भाई साहब स्टॉकयार्ड है, स्टॉकयार्ड खाते हुए टोयोटा का स्टॉकयार्ड, गाड़ी इंफिनियम टोयोटा, गाड़ियाँ देखो कितनी पड़ी हुई थी, इनोवा क्रिस्टा, बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं जिसको लेनी हो गुजरात करना। So, आप किधर जा रहे हो ये नहीं बताओगे क्या, कब ये पहुँच के बताएंगे, सस्पेंस है, ऐसा भी क्या सस्पेंस, एक गोरा हो जाऊँ थोड़ा, अब लग रहा है ना बढ़िया, फ्रेम मेरा सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा रहना चाहिए, क्या हो गया, बढ़िया। अरे वो एकदम से जगह आना, तो अभी टैक्सी वाला आ जाती मेरी, और कितना सीधा होना है, ऐसे चिपक के थोड़ी बैठ देख रहे हो, चलिए घूमिए घूमिए एंजॉय करिए, पहुंच के बताएंगे ना, आप इतनी जल्दी बता दिए तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को, सिर्फ घर वालों को बताए हम कहाँ है ना, और किसी को नहीं पता, कोई नहीं, आने वाले ब्लॉग
में पता लगेगा आपको। इसके ना मैं सोच रहा हूँ पूरी सीरीज बना देता हूँ, डे वन डे टू डे थ्री की, क्या कहते हो? है ना, तो प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, वो आप पूरी प्लेलिस्ट देखना। तो ऐसे मैं सीरीज वाइज डे वन डे टू डे थ्री डे फोर ऐसा पूरा बना दूंगा। तो ये हमारा जो पूरा ट्रिप है उसकी पूरी एक सीरीज बनाएंगे, और आई थिंक पहली प्लेलिस्ट होगी अपने चैनल की ना, तो पहली प्लेलिस्ट हमारी रेडी हो रही है। तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा ग्रो भी कर रहे हैं, तो जैसा जैसा सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे वैसे झटके झटके ट्रिप्स आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया वाले, और हम चिप्स भी अफोर्ड कर पाएंगे। अभी हमने दो पैकेट लिए थे, अभी दो और लेने पड़ेंगे, आगे रुकेंगे तो लेंगे। ओके बाय, आपने जा रहे एंजॉय करो। क्या नहीं जा रहे एंजॉय करो, देखो फ्लावर आ गया। क्या यार तुम भी फ्लावर के बाद में दिखाऊंगा। बताना चाहेंगे जरा क्या हुआ आपके साथ में थोड़ी देर पहले? अभी क्या हुआ, आपने जब इसमें हाथ डाला तो खाली पैकेट हो गया, उसमें भी हाथ डाल डाल के ढूंढ रही है, फिर मेरी शक्ल देख रही है कहाँ गया। अब उंगलियाँ चाटो, ये देखो ये पड़ा है बस ये। लो जी, देखते देखते रात भी हो गई है, और भाई तो भाई इतनी तगड़ी नींद आ रही थी ना, मैं तो सो ही गया था, और उसके बाद में देखा तो अंधेरा हो गया। अभी बाहर दिखाने लायक तो कुछ है नहीं, देखो काला काला हो गया सब। अभी लाइट जला के अपना वीडियो बना रहे हैं, और अभी सीन ऐसा है कि अभी कम से कम हमारे को लगेंगे दो ढाई घंटे और लगेंगे, क्योंकि अभी डेस्टिनेशन का हमने डाल के गूगल मैप में चेक किया है तो ढाई घंटे के अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है। तो अभी बीच में एक स्टॉप भी आएगा, वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी चाय वाय पीनी होगी पी लेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत लेंगे खाने का वो ले लेंगे साथ में, क्योंकि थोड़ी बहुत हल्की हल्की भूख लगती रहती है बस में। तो देखते हैं भाई, बाकी बस वगैरह सब बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अभी देखो सब खत्म, अंधेरा हो गया, तो अभी देखते हैं जब स्टॉप आएगा तो आप लोगों को मिलते हैं। लो जी, पहला स्टॉप अपना लग गया है रार होटल पे, और अभी आए हुए हैं, वॉशरूम गए थे भाई, और ये सामने अपनी बस खड़ी है, ये वाली अपनी बस है, और इसके साथ में स्कॉर्पियो वैन खड़ी है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देख रहे हो भाई हो। और ये है हमारी बस, सुदामा बस करके है, तो ये अपना होटल है। लो जी, ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे अपनी चाय आ गई है कटिंग, और आगे समोसे। आओ आओ बैठो बैठो बैठो। ये चटनी कौन सी दी है भाई इसने? मीठी वाली है, चख के देखें जरा, ठंडी है। तो भाई वो हाफ वे डन है, और लहसुन की चटनी उसकी पता नहीं, देखते हैं। आधा रास्ता हमारा हो गया है, और अभी रहता है करीब करीब कितना 100 किलोमीटर रहता है ना, 100 किलोमीटर रह रहा है अभी, तो चाय वाय पीते हैं फिर उसके बाद में निकलेंगे। और बाहर एक बढ़िया नज़ारा है वो आपको दिखाऊंगा मैं, तो अभी जब बाहर निकलूँगा फिर आप देखना कितना बढ़िया लगेगा। हैं बस या बेस्ट? बेस्ट है। अच्छा कंट्रोल वाला वर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा, ये है रार फरसान, यहाँ से लिया हमने चाय और ये समोसा, देख रहे हो कैसा है। चलो खाते हैं भाई, फिर आपको मिलते हैं। समोसा देख रहे हो भाई, गुजराती स्टाइल में एकदम बाहर से कचौड़ी टाइप लग रहा है, लेकिन बढ़िया है, इस वाली चटनी के बिना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहे हो, है ना? लो जी, टाइम हो रहा है 8:45, और दोबारा से भाई बस में आ गए हैं, और यहाँ से करीब करीब कितना एक घंटा और डेढ़ घंटा और लगेगा, और पहुँचेंगे हम 9:30 बजे के आसपास में। तो होटल बढ़िया था, RAR होटल करके था, RAR होटल बोल सकते हो या RAR भी बोल सकते हो, तो अच्छा होटल था भाई, ओवरऑल बढ़िया था, वॉशरूम क्लीन थे, और जो जो हमारे को चाहिए था वो मिल गया था भाई। समोसा तो इतना बढ़िया लग रहा था ना, मस्त लग रहा था ना, गरम गरम है ना, मस्त था ना, मस्त। हाँ, और जगह भी चेंज हो गया हमारी, इंटरचेंज हो गया समझ लो। तो वो एक्चुअली बस जाने वाली थी, तो भैया को बोल के रुकवाया था मैंने, तो सब लोग आ गए हेल्प करने के लिए कि भैया मैं कुछ हेल्प करूँ भाई। गुजरात के बंदे भाई एक नंबर है, बहुत बढ़िया। यही अगर कोई दिल्ली का बंदा होता ना भाई, धक्का मुक्का मार के पहले उसको खुद को छड़ने की होती, लेकिन भाई दिल से तारीफ है, गुजरात जितनी बार भी आया हूँ सब ने बहुत अच्छे से ट्रीट करा है। हाँ अरे वो छोड़ो, एक भैया ये पूछ रहे थे, कह रहे ये स्टिक किस लिए रखा है, तो बोले प्रोटेक्शन के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मैं कहा फिलहाल तो दोनों यूज़ के लिए है, मैं कोई जहाँ ज़्यादा पंगे लेगा वहाँ लगा भी देंगे और क्या। तो सही है भाई, हसमुख बंदे सारे के सारे, बहुत बढ़िया है।
तो अभी एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे, फिर उधर अपनी गाड़ी भी आएगी अपने को लेने के लिए, तो फिर उसके बाद में पहुँचते पहुँचते 9:30 हो जाएंगे। वैसे तो वहाँ से पास में ही है हमारा घर, तो वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों को बताएंगे कैसा रहेगा। और सफ़र तो अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्या कहते हो? होटल देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं यहाँ से, बाहर से बहुत अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है भाई, मतलब इस वाली साइड पे, ये वाले रूट पे खास करके। तो चलते हैं, नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं हम, आप लोगों को मिलते हैं वहाँ पहुँच के। देख रहे हो हमारे व्लॉग बनाने के लिए कितनी लाइटें हैं, ये 1, ये 2, 3, ये चौथी एरी 4, देख रहे हो। अब बताना कितना बुरा लग रहा हूँ मैं, ये वाली बंद कर देता हूँ। अब देखो सुबह होगी ना भाई, थोड़ी ये भी चला के दिखा देता हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ। तो लो जी, यहाँ हम लोग पहुँच गए ऑफिस के बाहर, और यहाँ अपनी गाड़ी भी रेडी खड़ी है एकदम, देख रहे हो किया की सोनेट आई है अपनी। तो भाई अभी सामान निकाल रहा है, उसके बाद में चलते हैं, वो आगे अपना सामान भी देख रहे हो, ये ऑफिस के बाहर खड़े हैं ये वाले। लो जी, यहाँ अपना आगे श्रीखंड, खाने की इतनी भूख लग रही थी कि खाना ऑलरेडी खा लिया, यहीं पर रख के खाया, तो ये श्रीखंड है भाई, ये खाते हैं। तो जी टाइम हो रहा है 12 होने वाले हैं, और अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा सा अपार्टमेंट है, ये झूला लगा हुआ है, यहाँ पे कॉकरोच भाई साहब भी घूम रहे हैं, भाई कॉकरोच भी घूम रहे हैं यहाँ पे, बच के रहना। तो एक रूम ये है, और साथ में ये किचन, पीछे वॉशिंग एरिया है, इधर वॉशरूम है, और ये इधर एक रूम ये होगा, एक रूम ये है। तो अभी फ़िलहाल रूम टूर दे दें आपको, सामने ड्राइंग रूम है, इधर बैठने बैठने का एरिया है, तो इधर मस्त झूले खाओ, अपना टीवी देखो। तो अभी का फ़िलहाल कुछ सीन ऐसे ही है, और यहाँ पे अपने चिप्स वगैरह ले आए हैं, पेप्सी वगैरह ले आए हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज का दिन काफ़ी थकावट भरा क्या रहा। तो जी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो आज का दिन तो ट्रैवलिंग में निकल गया, तो अभी आए खाना खा लिया फटाफट से, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो आके बस थोड़ा बहुत गए घूमने फिरने, थोड़ा बहुत बाहर एक आधा राउंड मार के आ गए अपनी गाड़ी में। तो फिलहाल बैठते हैं भाई, एंजॉय करते हैं, और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।